गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत और आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल हमने पढ़ा था कि टेरेस्ट्रियल बायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या है और हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में देखा था कि फूड चेन और फूड वेब जो है वो क्या है। आज हम मरीन बायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे, उसमें हम प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स और कुछ हायर ऑर्डर कंज्यूमर्स की बात करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है वो शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। और दूसरा एक कंसेप्ट है वो है आयरन फर्टिलाइजेशन, उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो हमारे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो ओशन लाइफ में काफ़ी फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि दे आर प्रोड्यूसर्स। फाइटोप्लैंक्टन आर ऑटोट्रॉप्स। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसका मतलब इनको सनलाइट की ज़रूरत है, ठीक है? तो अगर सनलाइट की इनकी ज़रूरत है तो ये कहाँ रहेंगे? सरफेस वाटर में। ये जो जोन है ओशन के अंदर, इसे हम यूफोटिक जोन करते हैं। यूफोटिक जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ तक लाइट, सनलाइट जो है वो पेनेट्रेट कर पाती है, यहाँ तक। ये लगभग 200 मीटर डिस्टेंस होता है, मतलब सरफेस वाटर से लेके ओशन के डेप्थ में 200 मीटर तक ये यूफोटिक जोन होता है, जिसमें ये माइक्रो अल्गी जो है, फाइटोप्लैंक्टन जो है वो रहते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज जो है फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। इस तरह से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फाइटोप्लैंक्टन में प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। वो कैसे? कि हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हुए ग्रीन प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बन कंपाउंड है, ठीक है? इस तरह से एटमॉस्फेयर का कार्बन फाइटोप्लैंक्टन के बॉडी में इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है? और जब ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ये फाइटोप्लैंक्टन कैरी करते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर जो है वो कम होता है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाता है, ठीक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, लेकिन उसकी रिवर्स जो प्रोसेस है उसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और वो जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो कौन करता है? फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा होता है, ठीक है? वो कैसे होता है? फाइटोप्लैंक्टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हुए ग्लूकोज बनाते हैं, वो उनकी बॉडी में इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है? अब फाइटोप्लैंक्टन के आगे फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाएंगे और जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा? हायर ऑर्डर एनिमल्स खाएंगे। इस तरह से ओशन कार्बन साइकिल इनिशिएट होती है, ठीक है? और जब इन फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और बाकी एनिमल्स की लाइफ पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है तो वो कहाँ आते हैं? वो ओशन बॉटम में आते हैं। ये ओशन बॉटम है और यहाँ पे ये जो डिपॉजिट हुआ मटेरियल है, ऑर्गेनिजम्स का जो डिपॉजिट हुआ मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाता है। बैक्टीरिया जो है ओशन बॉटम में वो ये कार्बन बेस्ड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं और ओशन बॉटम का जो वाटर है इसलिए काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच बन जाता है, ठीक है? क्योंकि इसमें डिग्रेडेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है? क्योंकि इसमें डिग्रेडेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है? तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो यूफोटिक जोन में रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं
एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे डायटम है, डायटम एक फाइटोप्लैंक्टन्स का इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। मरीन एल्गी है, ठीक है, बहुत सारे मरीन एल्गीज होते हैं, वो जो है फाइटोप्लैंक्टन्स का एग्जांपल है। अब एक साइनोबैक्टीरिया होता है, ये भी एक प्रोड्यूसर है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो बाकी मरीन ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए फूड सोर्स का काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो हो गए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, ठीक है। उसमें आता है सीग्रास। सीग्रास जो है वो शालो वाटर्स में ग्रो करता है, जैसे समंदर का किनारा होगा, ठीक है। हम ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में शालो वाटर्स में ये सी ग्रासेस ग्रो करते हैं। अब मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया में और लगभग 25-30 कंट्रीज़ में एक इम्पॉर्टेंट मैमल पाया जाता है, उसे हम कहते हैं डुगोंग, उसको सी काऊ भी कहा जाता है। ये एक वेजिटेरियन ममाल है, मैमल, ठीक है। ये क्या करता है, ये ग्रास ईटर है, जो सी ग्रासेस है उनको खा के ये अपनी उपजीविका करता है। सी ग्रासेस पे ये पूरी तरह डिपेंड होता है। तो ये डुगोंग काऊ जो है ये इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार जो है वहाँ बड़ी संख्या में पाया जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, शायद पूछा भी है। तो हम ये डुगोंग सी काऊ क्या है वो आगे देखेंगे, पर अभी आप ये याद रखना कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है वहाँ के शालो वाटर्स में ये डुगोंग और सी काऊ पाई जाती है, ठीक है। अब हम आगे हम फाइटोप्लैंक्टन्स के पिक्चर्स देख रहे हैं, जैसे डायटम है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ग्रीन एल्गी है, डायनोफ्लैजेलेट है, साइनोबैक्टीरिया है, ये हमें इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ये इसके पिक्चर्स आपको यहाँ पे स्लाइड के जरिए दिखाए हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ये एक सैटेलाइट इमेज है, इसमें जो ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है आपको वो फाइटोप्लैंक्टन्स का है, ग्रीन एल्गी का है। ये ग्रीन इसलिए दिख रहा है आपको कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो ग्रीन कलर के होते हैं, और जहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स दिखेंगे वहाँ पे क्या होगा, अदर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में उनके लिए फूड जो है अवेलेबल होगा। तो यहाँ जू प्लैंक्टन्स भी आएंगे, बाकी सारे एनिमल्स आएंगे, ठीक है। और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट फिशिंग जोन्स भी है, ये जो ग्रीनिश एरिया है इम्पॉर्टेंट फिशिंग जोन्स है। ये तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ फिशेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में दिखेंगे। देखिए एक और कंसेप्ट होता है ज्योग्राफी में, जिसे हम कहते हैं अपवेलिंग ऑफ वाटर। वो क्या है, एक कुछ ओशन के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जो ओशन बॉटम में वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ये जो रीजन्स है यहाँ पे जनरली ये देखा जाता है कि ये ओवरलैपिंग रीजन्स है, किसके जो यहाँ पे कोल्ड वाटर बॉटम का जो न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर है और सरफेस का जो वार्म वाटर है वो यहाँ पे मिलते हैं,
और यहाँ पे ये अलगी के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इतना बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट फिशिंग जोन्स भी है, ठीक है। ये है डुगोंग, इसे हम सी काऊ कहते हैं। ये लगभग 500 केजी इसका वेट होता है। इसकी लाइफ जो है लगभग ये 70 साल की इसका लाइफ पीरियड है। इंडिया में इसका जो नंबर है लगभग 200 से 250 तक है। और ये जो एनिमल है वो सी ग्रासेस पे फेड करता है, इसलिए ये शैलो वाटर में पाया जाता है। अब सी ग्रासेस का इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंस क्या है? सी ग्रासेस जो है वो लगभग 83,000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, मतलब उसको जो है एब्सॉर्ब कर लेते हैं और वो ओशन वाटर में उसको डिपॉजिट कर देते हैं। इसलिए सी ग्रासेस भी एक इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है, किस लिए? बायोस्फीयर के लिए। तो ये जो डुगोंग है ये गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वहाँ पे पाया जाता है। लेकिन ये जो IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है इसने इसको रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज में डाला है, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से सी ग्रासेस का एग्जिस्टेंस खतरे में आया है। इसलिए सी ग्रासेस पे डिपेंड होने वाला ये जो एनिमल है ये भी काफ़ी वुलनरेबल हो गया है एक्सटिंक्शन के लिए, ठीक है। ये है गल्फ ऑफ मन्नार जहाँ पे ये डुगोंग को पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जू प्लैंकटन्स की। जू प्लैंकटन्स है ये है हेटेरोट्रॉप्स, यानी हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि ये अपने फूड के लिए फाइटोप्लैंकटन्स पे डिपेंड करते हैं। इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है क्रस्टेशियंस जैसे क्रैब, लॉबस्टर्स, क्रील, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और जो छोटे छोटे क्रस्टेशियंस है ये भी इसके एग्जांपल है। कॉपीपॉड्स जो है ये छोटे क्रस्टेशियंस है, क्रील भी एक टाइप का क्रस्टेशियन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि ये फाइटोप्लैंकटन्स है और ये जू प्लैंकटन्स है। हमने सी ग्रासेस के बारे में पढ़ा, हमने डुगोंग काऊ के बारे में पढ़ा, हमने यूफोटिक जोन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो इमेज मैंने दिखाई है, यहाँ पे जो ओशन बॉटम है यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर होता है जो अपवेलिंग में सी के सरफेस पे आ जाता है। ओशन करंट जो चैप्टर है जब हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ये आपको समझ में आएगा कि बॉटम का न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर है वो कुछ समय बाद ओशन करंट्स के ज़रिए सरफेस पे आता है। इसलिए ये जो वाटर है आगे फाइटोप्लैंकटन्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फाइटोप्लैंकटन्स का जो ग्रोथ है इसके वजह से काफ़ी अच्छा होता है। अब जू प्लैंकटन्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं फोरेज फिश, एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है हेरिंग फिश कहते हैं उसको, हेरिंग फिश, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन खाएंगे? हायर ऑर्डर कंज्यूमर्स जैसे वेल है, शार्क है, ठीक है। तो अब तक हमने देखा है कि मरीन बायोटिक लाइफ में प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? फाइटोप्लैंकटन। और टॉप लेवल प्रीडेटर्स जो है वो बिग फिशेस हैं। कभी कभी आपने देखा होगा वीडियोस में कि ओशन के सरफेस पे कुछ बर्ड्स भी होते हैं, वो फिश खाते हैं, ओशन पे सरफेस पे आने वाले फिश खाते हैं। वो भी ये जो ओशन इकोसिस्टम को है एक तरह से शेप करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि फाइटोप्लैंकटन्स का रोल क्या है जो अर्थ का एनवायरनमेंट है
जो अर्थ का बायोस्फीयर है, जो अर्थ का क्लाइमेट है, इसमें इस फाइटोप्लैंकटन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ओशन बॉटम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जरिए डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अगर हम ज़मीन की बात करें, ज़मीन पे टेरेस्ट्रियल लाइफ पे फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के ग्रासेस हैं, पेड़ है, ये भी टेरेस्ट्रियल लाइफ में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं। यहाँ पे जो कि ये मरीन लाइफ है, यहाँ पे ये फाइटोप्लैंकटन्स कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में एब्सॉर्ब करके इसको डिपॉजिट कर देना, या तो अर्थ सरफेस पे या ओशन बॉटम में। फाइटोप्लैंकटन जो है ये दुनिया का लगभग 50% ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं, देखा कितना इम्पोर्टेंट काम करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करते हैं, ट्रैप करते हैं, कैप्चर करते हैं। फूड चेन का तो आपको समझ में आया होगा अब तक, ये फूड चेन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अगर फाइटोप्लैंकटन्स ही नहीं रहेंगे तो ओशन लाइफ ही नहीं रहेगा। जैसे अगर सी ग्रासेस नहीं रहेंगे तो डुगोंग काऊ ख़त्म हो जाएगा, तो इस तरह से अगर फाइटोप्लैंकटन्स नहीं होंगे तो शार्क्स नहीं होंगे, ना व्हेल होंगे, ना जूप्लैंकटन्स होंगे। ठीक है, जीआईएस इमेजिन से हम पता कर सकते हैं कि फाइटोप्लैंकटन्स की ग्रोथ अच्छी है या नहीं। अगर हमें वो ग्रीनिश एरिया डिमिनिश होता दिखेगा तो हमें सीधी सी बात है कि वहाँ पे कुछ तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हुई है, जिसकी वजह से ये जो ग्रीन प्लांट्स है या फाइटोप्लैंकटन्स है, इनकी लाइफ खतरे में आई है, यह हमें दिखाई देगा। इससे हम ओशन लाइफ के बारे में पता कर सकते हैं। अगर उस एरिया में अगर फाइटोप्लैंकटन्स का ग्रोथ अच्छा नहीं है तो वो बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा है। और सैटेलाइट इमेज से हमें पता चलता है कि 6 महीने पहले ग्रोथ रेट क्या था, या ग्रोथ कैसी थी, हेल्दी थी या नहीं, और अभी अगर हम उसकी सैटेलाइट इमेज लेंगे और कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, या तो ये फाइटोप्लैंकटन्स की ग्रोथ हो रही है या फाइटोप्लैंकटन जो है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हमें कंपेयर करके पता लग सकता है कि हेल्दी ग्रोथ हो रही है या नहीं। फिशिंग जोन्स के बारे में मैंने बताया, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर के बारे में मैंने बताया, जहाँ पे कोल्ड और वार्म वाटर मिलेंगे वहाँ पे फाइटोप्लैंकटन्स की ग्रोथ अच्छी होगी और वहाँ पे फिशिंग जोन्स होंगे। ओशन कार्बन साइकिल आपको पता होगा कि फाइटोप्लैंकटन्स जो है वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं, फिर वो अपना फूड बनाते हैं, वो जो कार्बन कंपाउंड्स है बाद में जूप्लैंकटन्स खाएंगे तो उनके तरफ आ जाएंगे, और ये जब सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या ऑर्गेनिज़म्स है जो ओशन लाइफ का पार्ट है, वो जब उनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगा और वो ओशन बॉटम में आएंगे तो डिग्रेड हो जाएंगे, और इस तरह से एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ, ओशन बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आयन फर्टिलाइजेशन। देखिए, ये हमारे मेंस राइटिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं या इसको प्रिलिमिनरी में भी पूछा जा सकता है। आयन फर्टिलाइजेशन एक कंसेप्ट ऐसा है जिसमें, देखिए, ये एल्गी जो है या फाइटोप्लैंकटन्स है, इनको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, तो आयन जो है या फी, ये भी एक न्यूट्रिएंट है फाइटोप्लैंकटन्स के लिए, और ये लिमिटिंग फैक्टर है। अगर इसकी मात्रा और इसका कॉन्सेंट्रेशन सी वाटर या मरीन वाटर में कम हो जाता है तो वहाँ पे फाइटोप्लैंकटन्स की ग्रोथ रेट जो होगा वो कम होगा। लेकिन अगर हम, साइंटिस्ट ने देखा है कि अगर हम आर्टिफिशियली
फेरस सल्फेट या कुछ और सब्सटेंसेस के ज़रिए, अगर हम फेरस सल्फेट ओशन वाटर में छोड़ते हैं तो वो एज ए न्यूट्रिएंट किसके काम आएगा, फाइटोप्लैंकटन्स के, और वहाँ पे एक्सपोनेंशियल काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी किसकी, फाइटोप्लैंकटन्स की, और वो कार्बन कैप्चर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। बट यहाँ पे साइंटिस्ट जो है इस मेथड का यूज़ करने के लिए इनमें एकमत नहीं है, क्योंकि हम अगर आर्टिफिशियली कुछ करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट मरीन लाइफ के क्या असर पड़ेगा इसका। क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा में एफी छोड़ेंगे किसमें, समंदर में, और वहाँ पे अल्गल ब्लूम्स हो गए, तो अल्गल ब्लूम्स मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ अल्गी, वो भी तो एक इकोसिस्टम के लिए ख़तरा है। वो कैसे है वो हम आगे कुछ आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे आयरन फर्टिलाइजेशन हमें बस इतना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आयरन फर्टिलाइजेशन के ज़रिए हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको इफ़िशेंट बना सकते हैं या स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि मरीन बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आयरन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको कुछ डाउट्स होंगे तो हमें पोस्ट कर दीजिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।